हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको रेशनल नंबर्स को ऐड करना सिखाऊंगी, तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। हमारे पास यहाँ पे दो केस दिए हुए हैं। फर्स्ट केस है व्हेन डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, जब हमें दो रेशनल नंबर्स दिए हो और उनके डिनोमिनेटर्स इक्वल हो, तो हम उन दोनों रेशनल नंबर्स को कैसे ऐड करेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। उसमें इक्वेशन ये होती है कि a अपॉन बी प्लस सी अपॉन बी इक्वल्स टू ए प्लस सी अपॉन बी। हम इस तरीके के रेशनल नंबर को, दो जो रेशनल नंबर अगर हमें दिए हुए हैं और जिनके डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं, तो हम उन्हें इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट कैसे करेंगे। देखिए, हमें यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में दिए हुए दो रेशनल नंबर माइनस टू अपॉन फाइव एंड फोर अपॉन फाइव। तो यहाँ पे आपने देखा हमारे दोनों फाइव जो हैं, दोनों डिनोमिनेटर्स जो हैं वो इक्वल हैं, दैट इज फाइव। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसे ए अपॉन बी मान लें और इसे सी अपॉन बी, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस सी अपॉन बी, दैट मीन्स माइनस टू प्लस फोर अपॉन फाइव। ओके स्टूडेंट्स, हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम इसे आगे सॉल्व आउट करेंगे, माइनस टू प्लस फोर अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, प्लस के टू अपॉन फाइव, दिस इज अवर आंसर। देखिए, आप सभी जानते हैं कि प्लस के फोर है, यहाँ पे माइनस के टू है। अगर मैं इन दोनों में ऑपरेशन करूंगी प्लस माइनस का, तो प्लस माइनस का हम माइनस करेंगे, तो फोर में से टू गया तो टू बचा। और यहाँ पे जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो बड़ी डिजिट होती है उसी का साइन हम पुट करते हैं, तो फोर यहाँ पे बड़ी डिजिट है तो प्लस का साइन। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, विच इज सेवन अपॉन थ्री एंड वन अपॉन थ्री। यहाँ पे आपका ए है सेवन एंड सी है वन एंड बी है हमारा थ्री। सिंपली सेवन प्लस वन इक्वल्स टू एट अपॉन थ्री, दिस इज अवर फाइनल आंसर। अब यहाँ पे हमने केस वन सीख लिया है कि अगर डिनोमिनेटर्स इक्वल होते हैं तो हम कैसे सॉल्व आउट करते हैं, दो रेशनल नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं। अब हम यहाँ पे केस सेकंड को देखेंगे, ठीक है, व्हेन डिनोमिनेटर्स आर अनइक्वल, जब हमारे डिनोमिनेटर्स अनइक्वल हो तो हम उन्हें कैसे, रेशनल नंबर्स को, इन दोनों रेशनल नंबर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, ये हम सीखेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी नोट किए हुए हैं। फर्स्ट रेशनल नंबर है माइनस फाइव पॉइंट सिक्स एंड फोर अपॉन नाइन हमारा सेकंड रेशनल नंबर दिया हुआ है, जिनमें आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर्स अनइक्वल है। तो हम इन्हें सबसे पहले इक्वल करेंगे, और इक्वल करने के लिए मैं अपने सारे वीडियोस में बताती हूँ कि हमें एलसीएम लेना होता है डिनोमिनेटर्स का, हमें क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले अपना क्वेश्चन नोट कर लेते हैं एक बार फिर से। अब यहाँ पे हम देखेंगे एलसीएम ऑफ नाइन एंड सॉरी एलसीएम ऑफ सिक्स एंड नाइन इज, सिक्स और नाइन का एलसीएम क्या निकल करके आएगा, एटीन। सिक्स और नाइन का एलसीएम जो आएगा वो आएगा एटीन। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, आप एटीन यहाँ पे बी ले लेंगे, देन सिक्स थ्री जा एटीन एंड थ्री फाइव जा फिफ्टीन, माइनस फिफ्टीन, माइनस फिफ्टीन अपॉन एटीन प्लस, जैसा कि हम सभी जानते हैं हमें एडिशन करना है तो हम यहाँ बीच में प्लस लगाएंगे, नाइन टू जा एटीन एंड टू फोर जा एट। हमें नीचे वाले डिनोमिनेटर से हमें इसमें डिवाइड देना होता है, जो रिजल्ट निकल करके आता है उसका हम ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा ये नंबर निकल करके आ जाता है। नाइन से हमने इसे डिवाइड दिया, एटीन को तो टू टाइम्स गया, देन टू फोर जा एट। इसी तरीके से माइनस फिफ्टीन और प्लस एट को अगर हम सॉल्व आउट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, माइनस प्लस का हमें माइनस करना है, फिफ्टीन में से एट गए सेवन बचे, एंड यहां पर हम देख सकते हैं ग्रेटर नंबर हमारा फिफ्टीन है, तो साइन हम इसी का पुट करेंगे, दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आज आपने देखा कि मैंने आपको रेशनल नंबर्स को ऐड करना सिखा दिया है, केस वन और केस टू दोनों बता दिए हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।